हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन योर यूट्यूब चैनल श्याम ब्लॉग। आज मैं आपके सामने रिव्यू करूंगा एंड अनबॉक्सिंग करूंगा कालपी वेव लाइट कुकर की, या जिसे हम इंफ्रा रेड इंडक्शन कहते हैं। ये 2200 वाट का है और किस तरह से इसकी पैकेजिंग मिलती है वो आप देख लीजिए। प्राइस इसकी 5000 है, जनवरी 2023 का इसका मैन्युफैक्चरिंग है। और बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, साथ में देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या इस साथ में मिलता है। फॉर्म से पूरा इसको पैक किया गया है सेफ्टी के साथ में। और ये मैंने अमेजोन से लिया था आपको अराउंड 2374 रुपये, यानी 2400 रुपये के अराउंड ये मिल जाएगा। सबसे कम प्राइस में इंफ्रा रेड इंडक्शन आपको यही मिलेगा कालपी का। और इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में हम देख लेते हैं आगे पीछे करके। कि दोनों तरफ आपको हैंडल दे रखे हैं और साथ में मेटल का बना हुआ है, और टॉप पोर्शन से इसके आगे स्टील का बना हुआ है। एंड इसके साथ में हमें क्या क्या मिला हुआ है वो हम देख सकते हैं, और वायर जो कितना लंबा है वो देख लेते हैं हम। वायर आपको अराउंड 1 मीटर के लेंथ में लंबा मिलेगा, तो आपका जो प्लग इन होना चाहिए, प्लग होना चाहिए, वो पास में चाहिए होना। अभी मैं इसको स्टार्ट करके देख लेता हूँ किस तरह से स्टार्ट होता है, इसके फंक्शंस किस तरीके से हैं वो सब आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जो इसके टॉप पे जो ग्लास है उसको आप सावधानी से यूज़ करें। डायरेक्ट इसके ऊपर रख के भी आप खाना गर्म कर सकते हैं वो सब। तो आप ये मैंने स्टार्ट करके देख लिया है, 1200 से 2200 वाट तक आप ये हीट हो सकता है, अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है। फंक्शन के बटन को ऑन करेंगे देन ये आप देखिए फटाफट ये इसका जो हीटर है या फिर जो भी कॉयल है गर्म हो चुकी है और गर्मी ये फेंकने लग गया है। तो आप सोचिए कि कितना जल्दी ये इसमें आप खाना बना सकते हैं वो सब है। और रेगुलेटर की तरह आप इसको कम ज़्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। देखिए आप, मैंने इसको बंद करके फिर से स्टार्ट किया है, और इसका बाय लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हाँ वहाँ पर आप जाके ले सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। सो इसकी एक और मैं कमी बताना चाहता हूँ। कमी इसमें यह है कि नॉर्मल जो इंडक्शन होता है उसमें खाना जल्दी बन जाएगा कंपेयर टू इंफ्रारेड इंडक्शन, इसमें खाना थोड़ा लेट बनेगा। ये यहाँ पे आप रोटी भी सेक सकते हैं, रोटी फटाफट सिक जाएगी, जलने का थोड़ा ध्यान रखना, जलने का समस्या रहेगी, तो आप इसका टेम्परेचर कम ही रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।